आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा यूनिट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या जिसको हम लोग कंज्यूमर्स बिहेवियर के नाम से जानते हैं उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये जो यूनिट का जो लेंथ है वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से या मार्क्स के दृष्टिकोण से एक अच्छा लेंथ वाला यूनिट है। उस यूनिट में से काफी प्रश्न रहते हैं। यह यूनिट जो टू है जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इस में हम लोगों को कंज्यूमर और कंज्यूमर से रिलेटेड जो मार्केट का एक पक्ष है जिसको हम लोग डिमांड के नाम से जान सकते हैं उन दोनों के बारे में और उनसे रिलेटेड चीजों को हम लोगों को इस यूनिट में समझना है पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कौन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो जैसे कंज्यूमर तो ये पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंज्यूमर। हम लोग सब जानते हैं कि कंज्यूमर कहेंगे किसको, वो व्यक्ति जो किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर के नाम से जाना जाएगा। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन केवल गुड्स का नहीं होता बल्कि सर्विसेज भी कंजम्पशन के अंदर में आता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वो गुड्स के श्रेणी में ना आकर करके इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को हम लोग सर्विस को कंजम्पशन के श्रेणी में डालते हैं। तो ऐसे जितने भी चीज हैं जिनको हम गुड्स के रूप में कंज्यूम करें या सर्विस के रूप में कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर के नाम से जाना जाएगा। इस नाते से हम सब किसी न किसी रूप में कंज्यूमर के नाते ही हैं। हम लोग ही कंज्यूमर हैं मार्केट के लिए और जब हम लोग कंजम्पशन करते हैं तो उस नाते से हम कंज्यूमर कहते हैं। अब उसी के साथ जो टर्म्स है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो इस यूनिट का टॉपिक है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, व्हाट इज कंज्यूमर, तो हम लोग देख लिए कि जो कंजम्पशन करे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। तो सामान्य तौर पर हमको ये देखना है कि कंज्यूमर या हम और आप कंजम्पशन क्यों करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम एज ए कंज्यूमर जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उस कंजम्पशन के पीछे हमारा उद्देश्य होता है अपनी किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करना। उस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए हम कंजम्पशन करते हैं और जब हम किसी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कंजम्पशन करते हैं तो उस कंजम्पशन से हमको मिलता क्या है, तो एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, और उस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ही हम कंजम्पशन करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगती है तो प्यास एक अनुभव करने की चीज होती है और जब वो पानी पी लेता है मतलब कंजम्पशन कर लेता है तो पानी पीने के पश्चात उसको एक खास प्रकार की संतुष्टि मिलती है, ये कंजम्पशन है। और उसी संतुष्टि को पाने के लिए हम कंज्यूम करते हैं। या कोई भी कंज्यूमर तो कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, और जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी मतलब कंज्यूमर कहां तक कंजम्पशन करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन यूनिट के कंजम्पशन के दौरान, उस वस्तु के पर यूनिट कंजम्पशन के दौरान जहां पर उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा वहां तक कंज्यूमर कंजम्पशन करता है। जैसे हम खाने बैठते हैं तो रोटी यदि खा रहे हैं मान लो तो एक यूनिट रोटी खाए, दो यूनिट खाए, तीन यूनिट खाए, चार यूनिट खाए, कहीं ना कहीं जाकर करके एक ऐसा यूनिट आता है जिस यूनिट के बाद हम आगे कंज्यूम करना नहीं चाहते। वही वो सिचुएशन है जिसको हम सेटिस्फैक्शन का अधिकतम बिंदु कह सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और कंज्यूमर जब और आगे उसका अगला यूनिट कंज्यूम करना नहीं चाहता है तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा और वहां तक ही उसी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने तक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब है कि जो इसका मतलब है कि कंज्यूमर जब कंजम्पशन कर रहा है
तो वहां तक कंजम्पशन करेगा जहां तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस यूनिक उस स्थिति को प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। अब है कि अभी हम लोग जो पीछे देखे कि कंज्यूमर कंजम्पशन करता है क्यों, तो फॉर गेटिंग सेटिस्फेक्शन या अपनी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए। तो ये वांट्स या आवश्यकता है क्या और उस वस्तु को हम क्यों कंज्यूम करते हैं, इसी यूनिट में आगे हम लोग उस वांट्स पर चर्चा करेंगे जब हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि आवश्यकता है क्या। लेकिन आवश्यकता हम लोग डिमांड कह सकते हैं या वांट्स जो है एक इफेक्टिव डिजायर है और उस इफेक्टिव डिजायर को आगे हम लोग इसी यूनिट में आगे हम लोग फिर से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम लोग किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो प्रश्न होता है कि हम जिस वस्तु को कंजम्पशन कर रहे हैं या किसी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस कंजम्पशन के दौरान उसके से किसी न किसी आवश्यकता की हमारी संतुष्टि होती है। जैसे अभी हमने कहा कि मान लो हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, मतलब या हम रोटी खाते हैं तो हमारी उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमारी भूख मिटती है। अलग अलग चीजों का हम कंजम्पशन करते हैं, मान लो हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं या कपड़ा को हम पहनते हैं, जूते भी हैं तो पहनते हैं, कलम है लिखने के लिए उपयोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अपनी जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उन अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको किसी न किसी अलग अलग प्रकार की चीजों का या गुड्स हो या सर्विस के रूप में हो हमको उसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे भूख लगती है तो हमको रोटी ही खाना पड़ता है, खाने के जिससे भूख मिटे उसको हम लोग रोटी से डिनोट कर लें तो वो रोटी हमको कंज्यूम करना पड़ता है। प्यास लगती है तो हमको पानी ही पीना पड़ता है। शरीर की रक्षा करना है भारी वातावरण से तो हमको कपड़ा ही पहनना पड़ता है। इनमें से हम किसी का भी स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते कि भूख लगी हो और कपड़ा पहन ले और भूख हमारी मिट जाए, ये संभव नहीं है। या प्यास लगी है रोटी खा ले प्यास बुझ जाए, नहीं। मतलब अपने किसी पार्टिकुलर वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमको किसी पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस को ही कंज्यूम करना पड़ता है। प्रश्न है क्यों? तो उसके पीछे का कारण यह है कि हर वस्तु या हर गुड्स और सर्विस में एक खास प्रकार का पावर है, क्षमता है। कैसी क्षमता, कैसा पावर? तो हमारी किसी खास आवश्यकता को पूरा करने की। जैसे रोटी में एक खास प्रकार की क्षमता है हमारी भूख को मिटाने की, पानी में एक खास प्रकार की क्षमता है प्यास बुझाने की, कपड़े में एक खास प्रकार की क्षमता है जो भारी वातावरण से हमारे शरीर की रक्षा करता है, कलम में एक खास प्रकार की क्षमता है लिखने की, मान लो हम चश्मा पहने तो उसमें एक खास प्रकार की क्षमता है जो हमारी रोशनी को ठीक करता है, दृष्टि सीमा को, दृष्टि दोष को दूर करता है। हर चीज में अपनी एक क्षमता है। क्लासरूम में यदि पंखा चल रहा है तो उसमें एक अलग क्षमता है, बल्ब जल रहा है तो उसमें अलग क्षमता है। और तब उसी आवश्यकता उसकी उसी पार्टिकुलर जो पावर है जिसके लिए हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो प्रत्येक गुड्स में जो एक पार्टिकुलर वांट्स है जिसको हम लोग यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, उपयोगिता के नाम से जानते हैं, हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, उपयोगिता। मतलब किसी भी पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस में हमारी आवश्यकता को या हमारे किसी खास प्रकार की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता है उसी क्षमता को हम लोग उपयोगिता या यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो यूटिलिटी है, मतलब इसको हम लोग और देख सकते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु में एक खास प्रकार का उपयोगिता यूटिलिटी या वांट सेटिस्फाइंग पावर है जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस यूटिलिटी का निर्माण करना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या है या किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का निर्माण करना। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज में, गुड्स या सर्विस में एक खास प्रकार की उपयोगिता या यूटिलिटी का निर्माण करते हैं तो वो उपयोगिता के नाम से जाना जाता है या उसको हम लोग यूटिलिटी कहेंगे, इंग्लिश में यूटिलिटी या हिंदी में हम लोग उपयोगिता कहेंगे।
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये किसी भी चीज में यूटिलिटी का निर्माण करना, जैसे मान लेते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है, कभी हम लोग राह चलते हुए उसको ठोकर मार देते हैं, छोटा सा टुकड़ा, मान लीजिए आप आ रहे हैं जा रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा है, हम लोग उसको लकड़ी को ठोकर मार दिए। आते जाते कई बार बचपनों में ऐसा होता भी होगा कि कभी घर से निकले होंगे और लकड़ी के टुकड़े को मारते हुए स्कूल तक पहुंचा दिए होंगे, फिर छुट्टी में उसको स्कूल से मारते हुए घर तक लेके चले गए, रास्ते में कहीं छोड़ दिए होंगे। कभी सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर लकड़ी के जो टुकड़े हैं जिनको कितनी बार हम सब ने ठोकर मारा होगा, इसका मतलब है कि उसमें किसी पार्टिकुलर कोई जो यूटिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन यदि मान लो वही लकड़ी के उस टुकड़ा किसी मूर्तिकार के हाथ में चला जाता है और उस पर कोई एक मूर्ति बना देता है, वो काष्ठ कला का प्रयोग करते हुए यदि उसने उसमें मूर्ति का एक स्वरूप डाल दिया, तो क्या हम तब भी उसको ठोकर मारेंगे क्या? तो शायद उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उसने उसमें एक यूटिलिटी क्रिएट कर दिया, उसका एक एक्सचेंज वैल्यू क्रिएट कर दिया, उसका एक प्राइस हो गया, मूल्य हो गया। और तब शायद मान लो एक भगवान की मूर्ति बन जाए तो हम उसको पूजा रूम में प्रतिष्ठित कर दें, अपने ड्राइंग रूम का शोभा बना दें। उसके पीछे का कारण है कि उस मूर्तिकार ने उस लकड़ी के टुकड़े में एक पार्टिकुलर यूटिलिटी क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। आटा है, रोटी हम सब खाते हैं, तो रोटी में एक खास प्रकार की क्षमता है और उस क्षमता का हम प्रयोग करते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। अब मान लीजिए रोटी ही है, तो रोटी का यदि कंटेंट्स देखा जाए कि आखिर रोटी बना किस चीज से है, तो सीधा सा उत्तर है आटे से। और रोटी में आटा छोड़ के और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम भूख लगे तो डायरेक्ट आटा नहीं खा सकते, खाने के लिए हमको रोटी ही चाहिए। तो फिर उस आटे को हम लोग एक प्रोसेस से गुजारते हैं, आटे को गूंथना, बेलना, सेंकना, पर तब शायद कहते हैं कि रोटी बनी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुआ। अब ये जो एक प्रोसेस है गूंथना, बेलना, सेंकना, इस प्रोसेस से जब हम उस आटे को गुजारते हैं तो कहते हैं कि उस आटे के अंदर वो पार्टिकुलर यूटिलिटी क्रिएट हुआ जिसके कारण हम उसको कंज्यूम करते हैं और ये प्रोडक्शन है। मतलब किसी भी गुड्स या सर्विस में जब हम उसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसके अंदर एक पार्टिकुलर यूटिलिटी क्रिएट होता है और वो प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। और वही जब हम कंजम्पशन करते हैं तो कहते हैं डिक्रीज इन यूटिलिटी। यूटिलिटी का घटना कंजम्पशन है, हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसमें जितना यूटिलिटी है, प्रोडक्शन के समय जितना यूटिलिटी डाला गया वो एक पार्टिकुलर समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, हर कंजम्पशन के साथ कम होता है, और एक समय आता है कि फिर उसके अंदर कोई यूटिलिटी नहीं बचती और हम उसको कंज्यूम नहीं करते। बल्ब जल रहा है, अब इस बल्ब में भी एक पार्टिकुलर यूटिलिटी है, प्रोडक्शन करते समय उसके अंदर एक पार्टिकुलर क्षमता डाला गया कि ये कितने घंटे जल सकता है। आप सबने सुना होगा बल्ब आप खरीदते होंगे मार्केट से, तो प्रोडक्शन कंपनी जो है एक पार्टिकुलर समय के लिए उसका एक शायद वारंटी भी देता है कि चलो एक साल ये चलेगा, एक साल की वारंटी है, छह महीने की वारंटी है, डेढ़ घंटे दो साल की वारंटी है। ये वारंटी वो किस आधार पर देता है? तो वो प्रोड्यूसर ये देखता है कि हमने इसमें कितना यूटिलिटी डाला है। बल्ब है तो बल्ब का जो लाइफ है कितने घंटे जलने का, तो उसमें उसने कितने घंटे जलने की क्षमता डाली है, और एक दिन में हम एवरेज कितना घंटा जलाते हैं, उस एवरेज के आधार पर वो वारंटी दिया कि चलो एक साल तक ये देंगे। मतलब उस प्रोड्यूसर में उसमें जितना यूटिलिटी डाला है और जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो वो यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। और फिर जैसे जैसे उसका प्रयोग करते जाते हैं यूटिलिटी घटता जाता है और एक समय आता है कि फिर बॉल आगे काम करने से इनकार कर देता है। रोटी ही खाते हैं तो हमने एक रोटी है, एक रोटी को बनाते समय उसमें जितना यूटिलिटी डाला है, अब मान लीजिए हमने उसका एक टुकड़ा तोड़ करके खाया तो शेष बची हुई जो रोटी है उसमें जितना पहले यूटिलिटी था वो घटा ही, बना नहीं। दूसरा टुकड़ा खाने के बाद भी जो शेष रोटी बची उसमें पहले की तुलना में यूटिलिटी घट गया।
तो जैसे जैसे उसके टुकड़ों को हम कंज्यूम करते जाते हैं, शेष बची रोटियों में यूटिलिटी घटता जाता है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो डिक्रीज इन यूटिलिटी कंजम्पशन, इंक्रीज इन या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन। और इस यूटिलिटी जो है किसी पर्टिकुलर वांट्स, किसी चीज को प्रयोग करने की जो उसमें क्षमता है, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। इस यूटिलिटी को गहराई से समझना चाहिए, तभी हम लोग आगे के यूनिटों पर ध्यान दे सकते हैं। अब ये जो यूटिलिटी है, ये देखा नहीं जा सकता, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इसको केवल अनुभव मात्र किया जा सकता है। यूटिलिटी को हम अनुभव, मतलब हम किसी चीज को जब कंज्यूम करते हैं तो वो अनुभव करने की चीज है, देखने और दिखाने की चीज नहीं है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी की जब बात की है, तो यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, एक ऐसी चीज है जो साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब है कि जिसको हम केवल अनुभव मात्र कर सकते हैं, वो न तो देखा जा सकता है न दिखाया जा सकता है, केवल अनुभव मात्र किया जा सकता है। तो ये जो यूटिलिटी, किसी वस्तु में जो कितना क्षमता है, जो यूटिलिटी उसके वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उसको केवल अनुभव मात्र किया जा सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं भूख लगी, क्या वास्तव में ये जो बोलना है भूख लगना या भूख का अनुभव होना, वास्तव में यदि हम देखेंगे तो भूख लगती नहीं, क्योंकि आप जब हम यार बोलते हैं कि भूख लग गई, किसी ने कहा कि जरा दिखाओ लगा क्या, तो हम क्या उसको दिखा सकते हैं क्या? यदि हम रास्ते में जा रहे हैं कीचड़ लग जाती है, तो हम कहते हैं कि पैर में कीचड़ लग गई, तो वो देखता है, दिखाने की चीज है। लेकिन भूख लगी तो हम दिखा सकते हैं क्या किसी को? ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं है कि हम दिखाएं कहां है कि भूख लगी। तो भूख एक अनुभव करने की चीज है, मतलब एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। हम लोग बोलते हैं पेट में भूख लगती है, लेकिन शायद भूख को मस्तिष्क अनुभव करता है, पेट में भूख नहीं लगती, मस्तिष्क उसको अनुभव करता है, और मस्तिष्क ही हमको इंडिकेट करता है, तब हमको भूख की अनुभव होती है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि खाने के समय पर भूख लगती हो, और उसके बाद जब हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद फिर पता चलता है कि भूख का अनुभव भी नहीं है, आज दोपहर का भोजन आज किए ही नहीं, शाम को रात हो गई और तब पता चला कि लो आज तो दोपहर का भोजन हुआ ही नहीं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो वही साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मतलब अनुभव हुआ, मस्तिष्क ने उसको पार्टिकुलर टाइम पे अनुभव किया, लेकिन हमने उस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमारा मस्तिष्क वहां से डाइवर्ट हो गया उस पॉइंट से, तो हम फिर भूल गए और फिर वो हमको भूख लगी भी नहीं। तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। कई ऐसी चीजें हैं जब आप गौर करोगे कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उस पर मस्तिष्क जब हो जाए, तो हम वहीं पर हमारा मस्तिष्क केंद्रित है तो वो और बढ़ता है, और मस्तिष्क को वहां से डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो अनुभव जो है वो अनुभव होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। घरों में बच्चों, छोटे बच्चे जब खेलते हैं, कई बार हम लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा भी होगा या अपने साथ भी घटी होगी, मान लो घर में छोटा बच्चा है, चलते हुए गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो जब चोट लगती है तो क्या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उस बच्चे के चोट के साथ वो स्वयं रोना शुरू कर देते हैं क्या? तो उत्तर है नहीं। हमने कई बार ध्यान दिया होगा या नहीं, तो अब हम लोग दे सकते हैं, यदि बच्चा चोट लगने से रो देता है तो घर के जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं? उसका मस्तिष्क को उस पॉइंट से डाइवर्ट करते हैं, मतलब वहां से हटाना, किसी दूसरे की ओर लगाना, रोते हुए बच्चों को कभी चिड़िया दिखा देना, कभी कुछ कर देना, या जहां चोट लगा उसको मार करके, उस बात को उसके उस समय ये प्रयास होता है कि उसका मस्तिष्क उस चोट के पॉइंट से हट जाए और किसी दूसरे पॉइंट पर लग जाए, और जैसे ही बच्चे का वो चीज उसका मस्तिष्क उस ओर डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी ओर, वो रोना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो उसको चोट लगी वो बहुत ज्यादा था, या था तो अब तुरंत छूट गया, या चोट लगी है तो अभी तुरंत समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन है क्या, मस्तिष्क उस पॉइंट पर जो केंद्रित था वहां से डाइवर्ट हो गया, हट गया, इसके कारण से वो बच्चा रोना बंद कर देता है। मतलब एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन,
जो मस्तिष्क अनुभव करता है, भूख को अनुभव करना, चोट को अनुभव करना, ये मस्तिष्क अनुभव करता है। हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं पागल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वो काम करना बंद कर दी, मतलब मस्तिष्क में जो सूचना पहुंचनी चाहिए वो सूचना नहीं पहुंचती, और इसलिए उस बेचारे का मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा, इसलिए ना उसके लिए भूख का अनुभव है, ना सर्दी गर्मी बरसात या बाकी अन्य चीजों का अनुभव है, उसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं होता, उसको लज्जा का भी अनुभव नहीं है। तो उसके पीछे का कारण यह है कि मस्तिष्क उसका काम करना बंद कर दिया। तो मस्तिष्क अनुभव करता है, तो हम किसी पर्टिकुलर गुड्स को जब कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, जिसको हम केवल अनुभव मात्र कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमेना। इसके बाद साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बाद जब आता है कि वही यूटिलिटी, वही उपयोगिता जो है अनुभव मात्र करने की चीज है, और दूसरा जो एक प्रमुख उसका फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह है सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव कहने का मतलब है पर्सन टू पर्सन वैरी करना। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी पार्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करने के बाद मिलने का जो सेटिस्फैक्शन है वो समान होगा ये जरूरी नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों ने रोटी खाना शुरू किया, तो रोटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या दोनों का समान होगा? क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों से कितनी रोटी खानी है, मान लो पहले वाले ने 4 रोटी खाई, दूसरे वाले ने हो सकता है 2 ही रोटी खाए और उसको संतुष्टि मिल जाए, तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग अलग होगा, अनुभव करने की जो है वो अलग अलग होगा। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सभी को एक समान सेटिस्फैक्शन मिले ये जरूरी नहीं है। तो एक सब्जेक्टिव मैटर भी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है, साइकोलॉजिकल होने के कारण यह सब्जेक्टिव होगा। साइकोलॉजिकल नहीं होता तो यह सब्जेक्टिव नहीं होता, तो यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी पार्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करने से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो अलग अलग होगा। मान लो एक व्यक्ति है खूब प्यासा है, आप उसको एक गिलास पानी देते हैं तो उसको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल होगा एक गिलास पानी से। दूसरा जो है वो कम प्यासा है, उसको एक गिलास पानी देते हैं, उसको पीने से उसको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। और तीसरा वही एक गिलास पानी पीता है जो बिल्कुल प्यासा नहीं है, तो क्या तीनों व्यक्ति को उस एक गिलास पानी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि का लेवल एक समान होगा? उत्तर है नहीं, सबके लिए अलग अलग। जो बिल्कुल प्यासा नहीं है उससे शायद उसको जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो थोड़ा प्यासा है उसको ज्यादा मिलेगा, और जो बहुत प्यासा है उसके लिए वो सबसे कम मिलने वाला है। तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा प्यासा है, और उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन का लेवल ज्यादा है। मतलब ये सब्जेक्टिव मैटर है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। अब जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं कि यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ये पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, सब्जेक्टिव मैटर है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहने का भी मतलब है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, तब एक प्रश्न होता है कि क्या यूटिलिटी को मापा जा सकता है क्या? तो यूटिलिटी चूंकि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, एक मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, इसलिए ये अनमेजरेबल है, इसको मापा नहीं जा सकता। अब जैसे मान लो भूख लगने के बाद, क्या हम एक रोटी खाने के बाद हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला हम उसको माप सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक रोटी खाने के बाद हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला इसको हम केवल अनुभव मात्र कर सकते हैं, इसलिए वो मापा नहीं जा सकता, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और यूटिलिटी अनमेजरेबल है। लेकिन इस यूनिट में आगे जो हम लोगों को डिमांड और बाकी चीजों को पढ़ना है उसके लिए हमको यूटिलिटी को मापना ही होगा। यूटिलिटी को बिना मेजरमेंट किए हुए आगे की जो कॉन्सेप्ट हैं
डिमांड और डिमांड से रिलेटेड चीजों को समझना मुश्किल होगा, उसको एक्सप्लेन करना, पढ़ना पढ़ाना संभव नहीं होगा। इसलिए ये जानते हुए कि यूटिलिटी अनमेजरेबल है, हम उसको मेजर करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर में मापते हैं। ये इसलिए कि पहले से दिमाग में हम सबको रहे कि अनमेजरेबल है, क्योंकि आगे जब हम मेजर करेंगे तो मन में किंतु परंतु ना रहे, क्योंकि मन में प्रश्न होगा कि इतना ही क्यों। इसलिए वो अनमेजरेबल है फिर भी मापना है, इसलिए हम उसको मापते हैं। तो यूटिलिटी अनमेजरेबल है, ये 100% सही है, लेकिन हमको अपनी आवश्यकता के लिए इकोनॉमिक्स और यूटिलिटी और डिमांड आदि से रिलेटेड चीजों को पढ़ने के लिए हम इकोनॉमिक्स में उसको मेजर करते हैं, मापते हैं और मापते हैं। अब प्रश्न होता है कि मापेंगे तो मापने के दो मेथड है, एक सर जिसको हम लोग कह सकते हैं यूटिलिटी को मेजरमेंट करने की बात आती है, तो यूटिलिटी को मेजर करना है, अनमेजरेबल है, और जब मेजरमेंट की बात आती है तो दो प्रकार का मेथड जो सामान्य तौर पर यूज होता है, एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट और दूसरा रिलेटिव मेजरमेंट। फिजिक्स भी इसी दो का आधार लेता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजरमेंट की बात करता है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट जिसको मान लो हम किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, इन चीजों में जब हम मापते हैं किसी चीज को तो वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, और दूसरा है रिलेटिव मेजरमेंट। रिलेटिव में हम किसी चीज को बेस बनाकर करके उसके आधार पर हम किसी दूसरे को मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि राम का वजन 50 kg है, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, लेकिन हम कहें कि राम श्याम से थोड़ा ज्यादा भारी है, उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, तो ये रिलेटिव मेजरमेंट होगा। राम का हाइट 5 feet 5 inches, और फिर हमने कहा कि चलो श्याम का हाइट क्या है, तो हमने कहा श्याम जो है वो राम से थोड़ा लंबा है, 2 inches लंबा है, 1 inch लंबा होगा या 2 inches छोटा होगा, ये रिलेटिव मेजरमेंट है। श्याम के हाइट को बताने के लिए हमने सहारा लिया किसका, राम के हाइट को, तो ये एक रिलेटिव मेजरमेंट है। तो दो प्रकार से मेजरमेंट हो सकता है। अब जब हम ये जो रिलेटिव और सब्जेक्टिव जो मैटर होगा, तो हम यदि यूटिलिटी को मेजरमेंट करें, तो यूटिलिटी का जब मेजरमेंट की बात आती है तो किसको कर सकते हैं, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजरमेंट उसका होगा जो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं, मतलब जो भौतिक रूप में सामने है हम उसी को एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये रिलेटिव मेजरमेंट है। तो दो मेथड है, एब्सोल्यूट और साइकोलॉजिकल। अब यदि उसमें हमको यूटिलिटी को मेजरमेंट करना है तो एब्सोल्यूट हम कर नहीं सकते, तो रिलेटिव मेजरमेंट होगा। लेकिन हमारे लिए यदि हम रिलेटिव मेजरमेंट करें तो फिर आगे उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जिन चीजों को हमको जरूरत पड़ेगी टेबल में, डाटा के माध्यम से, बाकी चीजों से, तो हम नहीं बता सकते। इसलिए ये जानते हुए कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट संभव नहीं है, फिर भी चूंकि एक काल्पनिक है, हम उसको एब्सोल्यूट मेजरमेंट के जगह पर, रिलेटिव मेजरमेंट के जगह पर हम उसको एब्सोल्यूट मेजरमेंट ही करेंगे। अब जब एब्सोल्यूट मेजरमेंट की बात आती है तो वहां दो अप्रोच काम करता है, एक कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्याओं के रूप में मेजरमेंट करना। जैसे मैंने अभी बताया कि हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो एक संख्या देना, 5 kg 10 kg 5 liter 10 liter, ऐसा जब हम उसको टर्म्स ऑफ नंबर, टर्म्स ऑफ संख्याओं के रूप में जब हम उसको मेजरमेंट कर लेते हैं तो ये कार्डिनल नंबर के रूप में जब मेजरमेंट होगा तो 1 2 3 4 5, तो ये कार्डिनल अप्रोच। और दूसरा जो है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हम ऑर्डर देते हैं, क्रम देते हैं, रैंकिंग करते हैं, वन नाउ करके उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार का जब हम रैंकिंग करते हैं तब वो हो जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डर देना, रैंक देना, क्रम देना। अब जब हम यूटिलिटी को मेजरमेंट करने की बात आएगी तब हमारे पास सामने दो अप्रोच आएगा, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब इसमें से यदि देखना है तो हम किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद हम उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं, रोटी खाने के बाद हम क्या बता सकते हैं कि एक रोटी खाने से हमको कितने के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, 5, 10, 15, 20, 25, या ये कार्डिनल अप्रोच होगा यदि हम ऐसा बता सकते हैं।
ऑर्डिनल अप्रोच क्या होगा कि एक रोटी खाने के बाद उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन के आधार पर दूसरे रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करें। तो सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं कि पहली रोटी हम यदि खाएं तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है जिसको हम अनुभव करते हैं, फिर जब हम स्वाभाविक है कि जब हम दूसरी रोटी खाएंगे तो हम पहली वाली रोटी के तुलना में दूसरी रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी आवश्यकता थी, भूख थी, वो थोड़ी कम हो चुकी होगी पहली रोटी के बाद। फिर दूसरी इसके बाद तीसरी खाएंगे तो और कम, चौथी खाएंगे तो और कम। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस प्रकार से जब हम किसी चीज को रैंकिंग करते हैं, जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वहां ऑर्डिनल अप्रोच मेजरमेंट किया जाता है। सुंदरता का मेजरमेंट कार्डिनल नंबर में नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याओं में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक ऑर्डर दिया जा सकता है कि चलो ये नंबर वन है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इस प्रकार का रैंकिंग करना, क्योंकि वहां भी एक साइकोलॉजिकल है और सब्जेक्टिव है। मान लो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चार जज है तो चारों जज किसी एक ही प्रतिभागी को फर्स्ट पोजिशन पे रखेगा, ये जरूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी नजरिया होगी, अनुभव करने की क्षमता होगी, उसके आधार पर हो सकता है कि जज वन ने जिसको नंबर वन फर्स्ट पोजिशन पे रखा हो, जज टू ने उसको सेकंड पोजिशन दिया हो, थर्ड पोजिशन दिया हो, जज थ्री उसको कोई और पोजिशन दिया हो। तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब उसको हमें ऑर्डिनल अप्रोच। अब जजेस जब इस प्रकार का देता है निर्णय तो वो कंपेयर करता है और अपने मस्तिष्क के आधार पर जिसको अच्छा अनुभव करता है उसको वो लेता है। तो इस तरह से ये कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के रूप में मेजरमेंट होता है। और यूटिलिटी यदि हम देखेंगे तो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच का जब हम उपयोग करना चाहें तो हम कार्डिनल में नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ऑर्डिनल में उपयोग कर सकते हैं मेजरमेंट। लेकिन हमारे सामने समस्या है कि यदि हम ऑर्डिनल अप्रोच में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार का मेजरमेंट करें तो आगे फिर हमारे सामने वही समस्या रहेगी जो आगे की चीजों को एक्सप्लेन करने की, व्याख्या करने की, वो संभव फिर ऑर्डिनल अप्रोच में नहीं है। तो ये जानते हुए भी कि इन दो अप्रोच में से हमको चुनना हो, यदि यूटिलिटी जो अनमेजरेबल है मेजर करना है तो ऑर्डिनल उपयुक्त है। ये पहले से दिमाग में रखना है कि यूटिलिटी अनमेजरेबल है, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यदि करना है तो इन दो अप्रोचों में ऑर्डिनल अप्रोच ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन हम चाहकर के भी ऑर्डिनल अप्रोच में उसको उपयोग नहीं करके हम उसको कार्डिनल अप्रोच में उपयोग करते हैं मेजरमेंट का, और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं। मतलब हमको बताना पड़ेगा कि पहली रोटी खाने के बाद हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 5 6 4 3 2 इस प्रकार का हमको उसको ऑर्डिनल अप्रोच में ही मेजरमेंट करना होगा। अब है कि जब मेजरमेंट करना है तो उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, जैसे मीटर एक यूनिट है लंबाई मापने की, केजी एक यूनिट है वजन मापने की। तो यूटिलिटी का चूंकि कार्डिनल अप्रोच में मेजरमेंट है इसलिए उसका कोई अपना एक यूनिट होगा। अब यूनिट भी फिजिकल चीजों का होता है लेकिन यह साइकोलॉजिकल है, अनुभव करने वाले की चीज है। मैं कैसे चीज को मेजर कर रहा है जिसको हम न तो देख सकते हैं न दिखा सकते हैं, केवल अनुभव मात्र कर सकते हैं। तो यूटिलिटी का मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स ये जो यूटिल्स है ये यूटिलिटी का मेजरमेंट यूनिट है, और ये यूटिल्स भी साइकोलॉजिकल है। ये देखने और दिखाने का चीज नहीं है, मीटर स्केल जैसे हम दिखा सकते हैं, हम यूटिल्स को दिखा नहीं सकते हैं। तो यूटिल्स क्या है? एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी। जब हम कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेजरमेंट करेंगे तो हम उसको यूटिल्स में व्यक्त करेंगे। अब मान लो पहली रोटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिला तो बोलेंगे हम 10 यूटिल्स, फिर दूसरी रोटी से कितना मिला तो हम कह सकते हैं 5 यूटिल्स, तीसरी से कितना 3 यूटिल्स, पेट भर गया सारे कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसको हम यूटिल्स में ही मेजरमेंट करते हैं। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिल्स कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स बिहेवियर के साथ में आज हम लोग इतना ही देखें कि कंज्यूमर क्या है, और प्रोडक्शन यूटिलिटी, फिर उन चीजों का कंजम्पशन क्या होगा यूटिलिटी और उसका मेजरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी पर हम लोग एक दो पॉइंट पर चर्चा किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको आगे और करें।